देश में केरल, चेन्नई जैसे कुछ इलाकों में बीएसएनएल ने 4G सर्विसेज शुरू कर दी है और खबर ये है कि अगले साल सितंबर तक पूरे देश में बीएसएनएल का 4G लॉन्च हो जाएगा। हाल ही में रिलायंस जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया प्रीपेड प्लान्स को महंगा किया गया, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर यूजर्स काफी नाराज नजर आए। कई लोगों ने बीएसएनएल को टैग कर 4G सर्विसेज की मांग भी कर दी, जिसके बाद बीएसएनएल ने कई इलाकों में 4G की सेवाएं शुरू कर दी हैं। सबसे पहले बीएसएनएल के 4G प्लान की लिस्ट जारी की गई है, उसकी चर्चा करते हैं, जिसमें बीएसएनएल ने 4G का सबसे सस्ता प्लान ₹16 का निकाला है। सबसे सस्ता प्लान ₹16 का होगा, जो 2GB डेटा देगा और इसकी वैधता होगी एक दिन। दूसरा प्लान ₹56 का होगा, जिसकी वैधता होगी 10 दिन और इसमें 10GB डेटा मिलेगा। और तीसरा प्लान ₹97 का होगा, जिसकी वैधता 18 दिन होगी और इस प्लान में रोज 2GB डेटा मिलेगा। बीएसएनएल के सभी प्लान्स की जानकारी एक तरह से बाजार में नजर आ चुकी है और देखा जाए तो दूसरी टेलीकॉम कंपनियों की तुलना में ये बेहद सस्ती है। देखना यह है कि आने वाले सितंबर में देश भर में 4G सेवाएं देने का जो वादा बीएसएनएल ने किया है वो कितना संभव हो पाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिए, हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इंस्टेंट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।